जोशीमठ के हालात देखकर अब टिहरी के लोगों का दर्द छलकने लगा है। टिहरी के लोगों का कहना है कि टिहरी के धनसाली में भी बिजली प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ों में सुरंग बना दी गई है और टिहरी जिले से गुजरने वाले भिलंगना नदी में डैम बनाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसा ही रहा तो यहां पर जोशीमठ जैसे हालात ना बन जाए। देखिए, जहां एक तरफ जोशीमठ में हो रहे भारी भूधसाव ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है, तो वहीं टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा से गुजरने वाली भिलंगना नदी में बन रहे पावर प्रोजेक्ट जोशीमठ जैसे हालातों को दावत दे रहे हैं। गौरतलब है कि खतलिंग ग्लेशियर से निकलने वाले भिलंगना नदी में साल 2004 में 23 मेगावाट के विद्युत प्रोजेक्ट का निर्माण किया है, जिसकी टनल की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। तो वहीं शांत पहाड़ों के सीना चीर कर भिलंगना नदी पर ही 2006 में 24 मेगावाट के भिलंगना पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया। भिलंगना नदी पर पहले से ही 2 जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई है और अभी हाल ही में जल विद्युत निगम की ओर से 27 मेगावाट का रानीगढ़ देवट विद्युत प्रोजेक्ट का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा एक तरफ परियोजना भिलंगना नदी पर प्रस्तावित है, जिसका निर्माण कार्य भी कुछ समय के बाद प्रारंभ किया जाएगा। ऐसे में लोगों का कहना है कि पहाड़ों पर हो रहे भारी भूस्खलन का सबसे बड़ा कारण पहाड़ों से की जा रही छेड़छाड़ है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ और ज्यादा फायदे के लिए पहाड़ों में विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करते हैं। ये सर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी भू संरचना है वो कोई जोशीमठ से बहुत अलग नहीं है। हम भी बुल्डर और बजरी में ही है, बुल्डर और रेत ही हमें थामे हुई है। बजरी हिलेगी, बुल्डर हिलेगा, हम भी नीचे ही जाएंगे। हमारे पास भी कोई वो नहीं है। और जहाँ पर इतनी कमिटीज बन चुकी हैं, इतनी मिश्रा कमेटी, मैं आपसे बता चुका हूँ, 76 में 39 में 2 स्विस वैज्ञानिक आके काम, भिलंगना पर HNB की टीम, NP अग्रवाल सर हैं, उन्होंने काम किया है यहाँ पर भिलंगना के ऊपर। हम इस पर सॉल्यूशंस पे बहुत काम कर सकते हैं। हमें यहाँ पर, हम चाहे घराट जो हमारे चलते हैं पौराणिक घराट, उनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो लोकेशन है वो ऐसे पे है जहाँ पे फ्लो स्ट्रीम बहुत तेज है। खाल है हमारे पास, खालों में हवा बहुत तेज चलती है, हमें ये बात ज्योग्राफी से पता लगती है, हम पढ़ते हैं, इसीलिए उनका नाम खाल है। स्यू है नदी के किनारे के इलाके, जिन्हें हम स्यू कहते हैं गढ़वाल में, तो वो हैं। हमारे पास सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा फ्यूचर है और इससे आने वाले जो हमारे लोग हैं उनके लिए ही एक अपॉर्चुनिटी पैदा होगी। आप देख सकते हैं कि आज जो डैम बना उसमें ना हमारे लोग हैं ना हमारी बिजली है, रेलवे बन रहा ना हमारा लोग है ना हम उसका वो ले पाएंगे लाभ। क्योंकि उत्तराखंड की दशा और दिशा का कारण आमतौर पर पहाड़ों में बनाए गए डैम और उत्तराखंड की पहाड़ियों में खोदे जाने वाली सुरंग है, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड त्रासदी की ओर आगे बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो भिलंगना नदी पर बने दोनों परियोजनाओं से उन्हें नुकसान तो हुआ है, मगर अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। सबसे पहले तो मैं इस बात को बहुत गंभीर विषय मानता हूं कि लगातार भिलंगना नदी के इस रिवर पे लगातार 3 डैम तो इसमें हैं और वही बालगंगा में भी 1 डैम है। और मुझे लगता है अभी कुछ विश्व सूत्रों से पता चला है कि 2 अभी लंबित हैं, उनका भी संचालन होना है। तो ये मेरा, हम कहते हैं कि पूरी घनसाली की जनता का दुर्भाग्य है, क्योंकि अब जैसे देख हमें TV चैनलों में लगातार ये जो त्रासदियाँ दिख रही है, जैसे जोशीमठ के हालात हैं, वहाँ के लोग कैसे परेशान हैं और उनके पास घर छत नहीं है, तो ये ही स्थिति हम भी लगातार अज्यूम कर रहे हैं आने वाले निकट भविष्य के लिए। यही निवेदन है, एक मानवता के नाते मैं बार बार कर, एक मानवता के नाते एक निवेदन अवश्य है सरकार से भी, सरकार के जनप्रतिनिधि से एक निवेदन अवश्य, जनता के जनप्रतिनिधि से, अगर तुम्हारा उत्तराखंड नहीं रहेगा तो आपकी कुर्सी कहां से रहेगी? क्योंकि जब उत्तराखंड नहीं रहेगा तो वोटर नहीं रहेगा, क्योंकि पलायन हो जाएगा। तो जब सरकार साजिश कर रही है जो है पलायन, मुंह से केवल मुंह से बोल रहे हैं कि जो है पलायन रोकना है, तो वही वाली कहावत फिट बैठते जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि मुंह में राम बगल में छुरी। बहरहाल भिलंगना नदी की अगर बात की जाए तो 30 किलोमीटर के अंतराल में अब तक 2 विद्युत परियोजनाएं बनाई गई है और इन दोनों परियोजनाओं के बीच में अभी तक परियोजना का कार्य प्रगति पर है। एक तरफ परियोजना प्रस्तावित है, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इन परियोजनाओं में बनाई जाने वाली सुरंग से पहाड़ कमजोर होंगे। खबरें अभी तक के लिए टिहरी से पंकज भट्ट की रिपोर्ट।